जय श्री राम। चलो आ जाना, थाली भी है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग गाइस। अभी सुबह के बज रखे हैं 10:30। हमारा आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट होता है और आज कॉलेज तो खुल गए हैं। सीनियर्स जूनियर्स अदर ब्रांच वाले कॉलेज जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज हमारी कोई भी क्लास नहीं है, तो कॉलेज जाना कोई वर्थ इट नहीं है। बाकी कॉलेज तो बुला रहे हैं कि कोई योगदा आश्रम है यहाँ पास में, उसका प्रोग्राम है, कोई लेक्चर वगैरह भाषण वगैरह होगा उनका, और फिर अपनी क्वेरीज वगैरह पूछो कोई, आई थिंक योगा से रिलेटेड मतलब इस टाइप का कोई कुछ प्रोग्राम है, तो उसके लिए बुला रहे हैं कॉलेज। तो मैं तो नहीं गया, और लोग जा रहे हैं, और बाकी वार्डन को भी भेज रहे हैं। कॉलेज से जो साथ लगे हैं बता रहे थे कि वार्डन आ रहा है सबको ले जाने के लिए, तो अभी मैं हॉस्टल से साइड हो रहा हूँ, कट रहा हूँ, मतलब कॉलेज ना जाना पड़े करके, तो मैं हॉस्टल से बाहर जा रहा हूँ अभी। और हॉस्टल से बाहर जाने का भी एक रीज़न ये है कि मेरा कल का ब्लॉग अभी तक का अपलोड नहीं हो रहा है, क्योंकि हॉस्टल में मेरा 5G चलता नहीं है, 5G में अनलिमिटेड मिलता है। सो अभी हॉस्टल के बाहर आके मेरा 5G नहीं चलता है, सो मैं यहीं आके अपना ब्लॉग अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद तब तक वार्डन आके चले भी जाएगा, तो फिर मैं हॉस्टल चले जाऊँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज, अभी मैंने निमेश को कॉल किया, तो निमेश से पूछा कहाँ है, तो निमेश बोला मैं भी कॉलेज नहीं गया हूँ, वो भी गया क्रिकेट खेलने के लिए कॉलेज के जो क्रिकेट ग्राउंड है उसमें, तो मैं भी वहाँ चले जाता हूँ, क्रिकेट भी देख लूँगा और बाकी व्लॉग भी मेरा अपलोड हो जाएगा। बाकी क्रिकेट खेलने या कुछ भी खेलने में मेरा ऐसा इंटरेस्ट तो है नहीं, हाँ टाइम पास हो जाएगा, उनको खेलते हुए देख लूँगा और मेरा व्लॉग भी अपलोड हो जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर चलूँगा हॉस्टल को। सो गाइज, मैं तो आया था वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मेरे को मिल गया अपना एक दोस्त, ये भाई लोग मिल गए, तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, ये मेरे को यहाँ धारे उठा लाए, बोल ले भाई हमें कपड़े धोने हैं, नहाना है, चल आ जा तू वहीं वीडियो अपलोड कर लेगा। और मेरे साथ धोखा ये हो गया, मेरे उसमें ऊपर 5G लिखा हुआ तो आ रहा है फ़ोन में, पर 5G चला नहीं, मेरा सारा नेट खस हो गया। सो अब फिर से रिचार्ज कराऊंगा अपने फ़ोन में। जो महादेव का मंदिर है, महादेव का मंदिर, बाकी ये अपना धारा डेली का जो मैं दिखाते रहता हूँ, और यहाँ लड़के नहाने के लिए आ रहे हैं, और अपने भी 3 लौंडे हैं कपड़े धोने और नहाने के लिए आ रहे हैं। आज हॉस्टल में पानी आया है, उसके बाद भी लौंडे यहाँ आए हैं नहाने के लिए। अब ये लोग यहाँ नहाने आए थे, तो ये लोग यहाँ नहाने भी लग गए, और इनको तैरना आता था तो अपनी तैरने की कला का प्रदर्शन भी एक दूसरे को करने लगे। बाकी मैं एक तो मैं हॉस्टल से नहा के आया था, दूसरा मुझे तैरना नहीं आता, तो मैं साइड में बैठ के इनको देख रहा था और इनकी वीडियो बना रहा था बस। सो गाइस, प्रांजल लोगों ने अपने कपड़े भिगाने को रख के अपना तो धारे में नहाने लग गए, मुझसे भी नहा बोल रहे थे, बट मेरे को नहाना आता नहीं है, मतलब मुझे तैरना नहीं आता है, सो मैंने नहाया भी नहीं, और मैं पहले ही हॉस्टल से नहा के आया था, और मेरे को हल्का फुल्का सर्दी जुकाम भी है, तो मैंने नहाया नहीं, वो नहा रहे थे, तो वैसे ही मैं बैठा था वहाँ पर, तो उतने में रवि का कॉल आता है, क्योंकि रवि को आज करने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा। सो रवि ने अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास संभालने को दे रखे हैं, तो मैंने वो उसके डॉक्यूमेंट्स अपनी अलमारी में रखे और मेरी अलमारी में रखा ताला, तो अब मैं जा रहा हूँ दौड़ दौड़ के रवि को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, क्योंकि लंच से पहले रवि बोला कि लंच से पहले जमा कर देता हूँ, लंच के बाद फ्री हो जाऊँगा, तो मेरे को भी हॉस्टल जाना ही था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर पहले चले जाते हैं, रवि को डॉक्यूमेंट्स भी दे दूंगा। बाकी भी चढ़ाई है, तो आप देख ही होंगे कि मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि नीचे धारे से आगे रोड में जाने तक का काफ़ी चढ़ाई है, दौड़ दौड़ के जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पर कुत्तों का पंगा चल रहा है, गैंग वॉर हो रही है कुत्तों के, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी कुत्ते भी इतने तेज वीडियो बनते हुए देखकर लड़ाई करना ही छोड़ दिया यार, मतलब देख रहे हो कुत्तों का भी बिल्कुल IQ लेवल कितना हाई जा रहा है। तो ये व्हाट्सअप गाइस, हम पहुंच चुके हैं वो हॉस्टल, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, और वहाँ योगदा आश्रम जो दोरहाट का एक आश्रम है वहाँ का कार्यक्रम चल रहा था,
तो उधर हम नहीं गए, हम सीधे अपने डॉक्यूमेंट जमा करके हम पहुंच गए हैं हॉस्टल। तो अभी आपको दिखाते हैं कमरे का क्या सीन है और योगी भाई क्या कर रहे हैं। ये देखो योगी ब्राह्मण हमारे यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ जतिन भाई पता नहीं नहाने की तैयारी चल रही है। गाइस मेरा व्लॉग भी अपलोड हो गया है और अभी भी कॉलेज से आ गया है। मैंने इसको अपना फोन दे दिया था और बोला था कि भाई कॉलेज जा रहा है तो वहाँ मेरा 5G चलता है तो मेरा व्लॉग अपलोड करके ले आना। मैं भी जैसे मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि मेरा 90% नेट खर्च हो गया था, 10% बचा था। बंदा हमारा इतना होशियार, वो जो 10% बचा था उसको भी खर्च करके ला गया। 5G ने चलाया नहीं, मतलब फोन पावर सेविंग मोड में है, पावर सेविंग मोड में रहा तो पावर सेविंग मोड में 5G चलता नहीं है। 4G में ही मेरा पूरा नेट खर्च करके लाया, बोला तेरा व्लॉग अपलोड नहीं है, 100% नेट खत्म हो गया। इतना अच्छा अपना भाई है। फिर मेरा रूममेट जतिन है, इसके पास जतिन से हॉटस्पॉट लेने के बाद तब जाके मेरा व्लॉग अपलोड हो रखा है। तो अभी अब व्लॉग अपलोड करते करते लंच का टाइम हो गया, पहले लंच करके आते हैं फिर आके सो जाएंगे। ये देखो ये खाना खाने नहीं आ रहा है। जय श्री राम। चलो यार थाली भी है। अबे हम ताला नहीं मारे रे। अरे कोई नहीं। अरे ब्रेक ले इसको, रुक दे। कुछ नहीं गाइस, खाना खाने के लिए ले जा रहा हूँ महाराज को। अरे ऊपर यहाँ पर खड़े हैं यार, जहाँ पर वो नहीं है तीनों हॉस्टलों का। तो भाई साहब अभी आपने देखा हमारे रवि भाई को, ये जा रहे हैं कपड़े धोने के लिए धारे। और भाई साहब कपड़े धोने के लिए परफ्यूम तो इसने पहले लगा दिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बाकी भी आपको मैंने दिखाया वीडियो में कैसे बाल बना के जा रहा है भाई साहब। कपड़े धोने के लिए बंदा बाल धोने के लिए जा रहा है और साथ वाले कॉल कर रहे हैं भाई आ जा ऊपर चौराहे में खड़े हैं। और मैंने बताया इसको, गाली दे रहा है उनको, कॉल में बात कर रहा है उनसे भी। तो रवि भैया तो गए कपड़े धोने के लिए, बाकी मैं सो जाता हूँ अब। ठीक है, मिलते हैं आपको आगे। कि मैं बता आगे बता बोल रहा हूँ, पीछे बकैती कर रहा हूँ, उसमें कुछ बुरा लगता है भाई, उसमें गुस्सा आता है, टाइम बर्बाद होता है मेरे बकैती से। तो मैं आपे तो वो बकैती नहीं, मैं आगे से रिकॉर्ड कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और दूसरा बंदा आगे पीछे है करे, उसमें वो होता है। बेटा माइक खरीद लिया मैंने आगे, आज कौन सा ईयर? अरे हेलो गाइस, बोया का होगा पक्का, बोला था इसमें नॉइज कैंसिलेशन है। यस बोया, 700 रुपये वाला है ये बोया वाला। अरे जितने का भी है, चलो बढ़िया बढ़िया, तोड़ना मत बोला था, क्या मतलब उसको लौटाना पड़ेगा। अच्छा बजे उठा दूंगा, तीन उठेंगे ठीक है भाई, मैं उठ जाऊंगा, मेरे उठने का माया बोलो। हाँ पर पढ़ाई करूंगा, इसकी जिम्मेदारी नहीं दे सकता। हाँ उठ के फोन से आ सकता हूँ। शाम सोते भी 2 बजे हैं, और कल को बताया वैसे 10 से 5 चलती है हमारी क्लास है। कल को थर्मो वाला पता नहीं क्या चूल है उसको, कल को वो भाई साहब हमारे 9 बजे से पढ़ाया, 9 से 10 थर्मो पढ़ाएगा, 10 से 11 CS है, 11 से 12 FM, 12 से 1 है तेरी वो TC, 1 से 2 लंच हो गया, 2 से 5 तक फिर थर्मो पढ़ाएगा वो कल को। थोड़ा रात में नींद चाहिए होती है। रवि तूने असाइनमेंट कर लिया उसके? रवि अभी तो भयंकर 9 बजे सोने का तैयारी है आज। जादू
जादू, हमारा जादू, जादू चेहरा दिखाओ। देख रहे हो भाई साहब, हमारे संजय भाई की हुडी और बोतल सेम कलर की, हमारे जादू को भी नहीं मिल रही यहाँ धूप। ये वाला, बाकी ये पानी लेने आए थे भी मेरे पास से। और ये जतिन भाई बोल रहे हैं सुबह को हम 5 बजे उठेंगे, भी जल्दी सो जाते हैं। दिखाता, जूम कराता हूँ, कान पे बंदे ने डाल दिए हैं हेडफोन। अभी रात को 2 बजे या 3 बजे तक का नहीं सोएगा तो उसमें 6 बजे तो कहाँ ही उठता है। ये हमारे अंधेरे में बैठे हैं रवि भाई, रवि सर। रवि सर आज कहाँ कहाँ घूम के आए? मार्केट। और सुबह से क्या क्या किया ये तो बताओ। सुबह से हमने कुछ नहीं करा, आज का दिन खराब रहा बस। कॉलेज गए, वहाँ धारे गए, सब बताओ बंदों को। कॉलेज गया पहले, फिर केसी गया, कपड़े धो के आया, मार्केट गए और थोड़ा रेस्ट लेते हैं। और मेरी शर्ट क्यों नहीं धोई? मेरी शर्ट दी नहीं थी उन्होंने धोने के लिए। अच्छा, देता तो धो देता। अब बताना, देता तो धो देता। और कच्चा? कच्चा नहीं धोता भाई। अच्छा, और अंडरशर्ट? अंडरशर्ट भी नहीं धोता। पैंट? पैंट भी नहीं धोता। ओनली शर्ट। ओनली शर्ट? यस भाई साहब, हॉस्टल के सारे बंदों का कॉन्ट्रैक्ट ले लेना, मैं लेता हूँ शर्ट, इसे धुलाऊंगा। 10 रुपया शर्ट? चलो ठीक है। ये भाई न्यू जूस दिख रहा, पता नहीं क्या देख रही है। चलो पानी पिला दे भाई। और देख लो, बंदे ने फ्लूट मैकेनिक्स की किताब रख रही है इतनी, और इतनी पढ़ दी है इसने अंदर। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, हमारे भाई ने परसों ही नया कैल्सी ले रखा है। रवि कितने का आया कैल्सी? 1000 रुपये का, 991 ms का। मेरे पास जो है वो 82 ms का है, उसमें वैल्यू सेफ नहीं होती, इसमें मतलब ज़्यादा एडवांस है, उससे ज़्यादा एडवांस है। बीटेक में ये चलता है, जो मेरे पास है वो पॉलिटेक्निक वाला है। सो पॉलिटेक्निक में ये 991 ms का नहीं चलता है, 82 का चलता है, मेरे पास वही है। और बाकी डिनर वगैरह तो सब हो गया, आज का दिन भी हमने सक्सेसफुली बर्बाद कर दिया है। अब सीटी हमारी 3 तारीख को है, तो वो तैयारी आज हुई नहीं, क्योंकि आज सुबह से मैं व्लॉग अपलोड करने के चक्कर में बाहर रहा, वहाँ व्लॉग अपलोड हुआ नहीं मेरा। एक दिन की बात बताता हूँ मैं, जतिन भाई ने मेरे से बोला भाई मेरे को सुबह 6 बजे उठा दियो। ठीक है, मैंने भाई को सुबह 6 बजे उठा लिया, मैं उठा 6 बजे, भाई को 6 बजे से उठा रहा हूँ मैं, 6:30 आधा घंटा कंटिन्यू उठा, मैंने जतिन उठ जा उठ जा, बंदा नहीं उठा। इसको सोता देख के 6:30 मैं भी सो गया, फिर मैं उठा 8:30 पे, तो ऐसा सीन हो जाता है। फिर बाकी ये भी बोला कि अभी जल्दी से जाते हैं बोला, और वहाँ मूवी देख रहा अपना भाई। बाकी रवि शायद अपने घर में बात करने के लिए गया, तो अभी हमने दूध भी नहीं पिया आज, अभी दूध पियेंगे इसके बाद। तो अभी इतना, तो मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। कल को मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। हाँ, कल को सुबह हमारी 9 बजे से शाम को 5 बजे तक का सारी क्लासेज है, तो कल को ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ब्लॉग, तो आपको मिलता है कल को नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना करवाना ना भूलें।